बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया हर किसी को भा जाती है, लेकिन इस बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसे काले राज भी है जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसी हसीनाओं के बारे में जिनकी मौत दर्दनाक और डरावनी रही। जरा सोचिए, किसी का मर्डर कर उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए, या फिर किसी को उसी के सौतेले बेटों और पिता के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाए, ये सब कितना दिल दहला देने वाला होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो चुका है। आपको यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको उन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही बेदर्दी से इस दुनिया से चल बसी। एक्ट्रेस लैला खान के बारे में तो आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि उनको उन्हीं के पिता ने मौत के घाट उतार दिया था। हाँ, ये भी सच है कि वो उनके सौतेले पिता थे, लेकिन थे तो पिता ही ना। ऐसे ही और भी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनों के हाथों मार दी गई। आइए उनके बारे में जानते हैं। लैला खान, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजेश खन्ना की एक्ट्रेस लैला खान की, जिन्हें उन्हीं के सौतेले पिता ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। दरअसल एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कभी लौट कर वापस ही नहीं आएंगी। उनके पिता परवेज ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके साथ उनकी माँ और घर के अन्य 6 लोगों को भी मार दिया था। 11 महीने बाद फार्म हाउस से सभी का कंकाल बरामद हुआ। मीनाक्षी थापा, देहरादून से मुंबई आई एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा की मौत भी बड़ी दर्दनाक रही। फिल्म फैशन के सेट पर उनकी मुलाकात अमित जायसवाल से हुई, जो फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट था। मीनाक्षी के एक झूठ ने उनकी जान ले ली। जी हाँ, एक्ट्रेस जब अमित से मिली तो उसने अपने आप को नेपाल की एक रॉयल फैमिली से बताया। अमित को पैसों का लालच हो गया और उसने उन्हें किडनैप कर लिया, और बाद में उनकी सिर कटी लाश सेप्टिक टैंक से मिली, जिसने सभी को हैरान कर दिया। सईदा खान, इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्टर कमल साधना की माँ सईदा खान का, जो एक फेमस एक्ट्रेस थी। एक्टर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि एक दिन शराब के नशे में उनके पिता ने उनकी माँ और बहन को गोलियों से भून दिया। हालांकि कमल को भी गर्दन पर गोली लगी थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। कृतिका चौधरी, एक्ट्रेस कृतिका चौधरी को भी चकाचौंध रास न आई तो उनकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल एक्ट्रेस का ड्रग्स का धंधा करने वाले कुछ लोगों के साथ उठना बैठना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पैसों के लेन देन की वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई, जिनकी लाश 4 दिनों तक उनके घर में सड़ती रही। प्रिया राजवंश, सौतेले बेटों ने प्रिया राजवंश को मौत के घाट उतार दिया था। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने देवानंद के भाई चेतन आनंद से शादी कर ली। हालांकि चेतन पहले से ही मैरिड थे। चेतन की मौत के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो प्रिया को भी एक घर मिला। उस घर को चेतन के सौतेले बेटे अपने नाम करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने घर के नौकरों के साथ मिलकर एक्ट्रेस की हत्या कर दी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बॉलीवुड के काले राज रहे हैं। वैसे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।